Welcome students, this is the third lecture of class 5 mathematics and today I'm going to cover the topic of multiplication and division. So let's get started. This is the question of multiplication. ये आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की गई है और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपके सामने जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले जो ये टर्म है जो है मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, आपके पास दो नंबर्स होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है. तो जिस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई होना होता है उस नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. जिस नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो होता है मल्टीप्लायर. और जो आंसर आता है आपके पास वो होती है प्रोडक्ट. आपकी बुक का एक मल्टीप्लिकेशन का सम मैं लूँगी और मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करूँगी और आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व होती है. यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे बताए हैं बुक पे कि जिस नंबर ने मल्टीप्लाई होना होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंट. जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे होता है वो मल्टीप्लायर होता है. और आंसर जो एंड पे फाइनल आंसर होता है वो आपका होता है प्रोडक्ट. सॉल्व करने का मेथड जल्दी से देख लेते हैं. जिस तरीके से आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपने राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग भी इस मल्टीप्लिकेशन में इसी तरीके से करते हैं. जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट होता है, जैसे यहाँ पर 3 है, उससे स्टार्ट करते हैं और इस डिजिट को पिक करके वन बाय वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम वन बाय वन डिजिट पिक करते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर करके आंसर को लिखते जाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 3, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ. 3 5 ज़ार 15. हम 15 नहीं लिखेंगे, 15 का 5 लिखेंगे और 1 कैरी देंगे. नेक्स्ट 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4. नेक्स्ट है 3 6 ज़ार 18. 8 इज़ हेयर, 1 इज़ कैरी. 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7. 3 3 ज़ार 9 एंड 3 5 ज़ार 15. नेक्स्ट डिजिट पे मूव करने के लिए, जब मैंने 3 के मल्टीप्लिकेशन मेरी सारे डिजिट्स के साथ कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 2 डिजिट है उस पे मूव करने के लिए यहाँ पे राइट मोस्ट साइड पे या तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा या क्रॉस. मैं आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ, इसका मतलब भी 0 ही होता है. नेक्स्ट आएगी 2 की टर्न. अब 2 ने 1 बाय 1 इन सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होना है. अगेन हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 बाय 1 डिजिट के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ार 10. 0 इज़ हेयर, 1 इज़ कैरी. 2 1 ज़ार 2 प्लस 1. 3 2 6 ज़ार 12. 2 इज़ हेयर, 1 इज़ कैरी. 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5. 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10. ठीक है, अब हमने अपने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली है. अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आई, अभी हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर को लिखा है. प्रोडक्ट लेने के लिए जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन के 2 स्टेप्स किए हैं, एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन ये और दूसरे की है, इनको अब हमने आपस में करना है प्लस. प्लस कैसे करना है, 5 प्लस 0 इज़ 5. 4 प्लस 0 इज़ 4. 8 प्लस 3 इज़ 11. 11 का 1 यहाँ पे, और इसका जो 1 है वो ऊपर कैरी नहीं जाएगा, वो यहाँ से नेक्स्ट इस पे कैरी जाएगा. 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10. 0 इज़ हेयर 1 इज़ कैरी. 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15. 5 इज़ हेयर 1 इज़ कैरी. 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 12. 2 इज़ हेयर 1 इज़ कैरी. 1 प्लस 1 2 एंड 1 इज़ हेयर. अब जो हमारे पास ये फाइनल आंसर आया है ये हमारा प्रोडक्ट है. इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं. आपकी बुक पे मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको सॉल्व कर लेना है. यहाँ पे हमारे सामने नोट्स लिखे हुए हैं कुछ, इनको देखते हैं क्या लिखे हुए हैं. जो आपके पास फर्स्ट नोट है ये लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिज़ल्ट रिमेन्स द सेम. इसका मतलब है कि जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर हमेशा सेम होता है. कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 1 ज़ार 45. लेट्स टेक एंड लेट्स सपोज एनी अदर डिजिट लाइक 4 4 1 ज़ार 4. 6 1 ज़ार 6. किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर रिमेन्स द सेम. एक और नोट है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिज़ल्ट इज़ 0. एग्ज़ाम्पल 23 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0. आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें द आंसर इज़ ऑलवेज 0. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 0 ज़ार 0. 3 0 ज़ार 0.
नाइन ज़ीरोज़ आर ज़ीरो,